नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो आपकी विज्ञप्ति आई थी, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, कानून गो, सहायक कानून गो की जो विज्ञप्ति थी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पदों की संख्या थी 10,000 से ज़्यादा थी। स्पेशल सर्वे अमीन की 8,244 पद, वहीं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की 744, विशेष सर्वेक्षण कानून गो की 758, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पद थे। तो यहाँ पर आज हमने कट ऑफ बनाकर डिस्कस किया था स्पेशल सर्वे अमीन, जहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन थी कि क्या कट ऑफ रहने की अनुमान है, क्योंकि इससे पहले भी 4,950 पद पर विज्ञप्ति आई थी 2019 पे, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को लेकर। तो इस बार की कट ऑफ डिस्कस किए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट और क्वायरीज आ रही थी, क्या ये वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, अब इस वैकेंसी को मेरिट बेस पर नहीं लिया जाएगा, इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए, किसी प्रकार की भी ऐसी सूचना नहीं है कि विज्ञप्ति को कैंसिल की गई है। विज्ञप्ति जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आया है उसी प्रकार से कंप्लीट की जाएगी। जी हाँ, वैकेंसी आपकी उसी प्रकार से कंप्लीट होगी। जो भी ऑडियो वायरल हो रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि हमने भी कोशिश किया LRC में बात करने के लिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जहाँ बात हुई, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली है कि इस प्रकार की कोई भी संभावनाएं नहीं है। जिस प्रकार वैकेंसी की डेडलाइन डेट रखी गई है, यानी कि अप्रैल 2023 तक वैकेंसी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। जी हाँ, और आपके मार्च में फाइनल लिस्ट आएगी, और जो जनवरी और फरवरी का माह है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। तो आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो आपकी विज्ञप्ति आई है ये वैकेंसी कैंसिल की जाएगी और इसको फिर से रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। अगर कोई अपडेट आता भी है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, यानी कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक इस तरीके की कोई सूचना ना आ जाए, तब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो संभावनाएँ हैं और जो बात हुई है, खबर मिली है, उस प्रकार से ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट में जो चीज मेंशन थी, उसी प्रकार से आपकी सारी प्रक्रियाओं को परिपूर्ण कराया जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग होगी, काउंसलिंग होगी। जैसे इससे पहले 2019 में जो 4,950 पदों पर वैकेंसी आई थी स्पेशल सर्वे अमीन, वहां पर भी लगभग 6,000 पद थे अलग अलग सेक्टर में। इस बार भी जैसे 10,000 पद हैं तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। बाकी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो आपके साथ हम साझा करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। जो भी ऑडियो वायरल हो रही हैं, ईमेल की कटिंग वायरल कर रहे हैं, ये सभी चीज़ फेक है। कोई भी इस तरीके की ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये सभी केवल भ्रम फैलाई जा रही हैं। लोगों के मन में एक तरीके से भय पैदा किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब निकाली जाती है, वहाँ पर लाखों बच्चों से फॉर्म भराया गया, फॉर्म भराने के बाद फॉर्म के अंदर करेक्शन मोड दिया गया, वहाँ पे करेक्शन किया गया, 1.5 महीने का पूरा ये पीरियड चला। इस तरीके से कोई नहीं किया जा सकता। अगर कोई वैकेंसी कैंसिल भी होगी तो विभाग को पूरा विवरण देना पड़ेगा कि क्यों कैंसिल किया गया, क्या बात है। लेकिन इस प्रकार की कोई संभावनाएँ है ही नहीं, जहाँ तक मेरी बात हुई और मुझे जो सूचना मिली। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।